अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS502 का लेक्चर नंबर 22 करेंगे। तो हमने लेक्चर नंबर 21 में एक स्टोरी देखी थी, एक चोर की स्टोरी देखी थी, जो है चोरी करने जाता है किसी ज्वेलरी की शॉप में। तो ठीक है ना, तो उसी को हम जो है आज कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 21 नहीं देखा तो आप लेक्चर नंबर 21 देख लीजिएगा। वो बहुत छोटा सा है, 10-15 मिनट्स का, लेकिन उसमें जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नैपसैक प्रॉब्लम जो है वहाँ से स्टार्ट हुआ है 21 से। तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। अगर आपने 21 नहीं देखा तो उसे देख लें। तो आज हम जो है 22 से स्टार्ट करेंगे, और चलें स्टार्ट करते हैं, हम उसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने देखा था कि स्टोरी कुछ इस तरह थी कि हम एक जो है थीफ होता है, एक चोर है, वो किसी ज्वेलरी शॉप में चोरी करने जाता है। ठीक है, तो आप कंसिडर कर लें कि वो जो चोर है वो चोरी करने गया है, तो उसने अपने पीछे एक जो है बैग पहना हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ जब वो चोरी करने गया वहाँ पे, तो दुकान के अंदर कुछ आइटम्स होंगी, कोई चीज़ें पड़ी होंगी। तो हम कहते हैं कि वहाँ पे जो है 20 आइटम्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, दुकान के अंदर, और जो चोर गया है उसने एक पीछे अपने बैग पहना हुआ है, जो चीज़ उसने चोरी करनी है उसने उस बैग में डालनी है। तो आखिर उस बैग की कोई लिमिट होगी, जैसे हम कहें कि जो बैग है उसमें हम कह देते हैं कि जो है 50 kg आप उसमें सामान डाल सकते हैं, 50 kg से ज़्यादा नहीं डाल सकते, 50 kg से ज़्यादा डालेंगे तो वो फट जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम, ये थी, और तीसरी ये है कि वो जो कुछ चीज़ें जो भी वो वहाँ से चुराएगा तो ज़ाहिर सी बात है उसकी कुछ वैल्यू होगी, उसकी कुछ उसे रकम मिलेगी। तो ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस की थी, इन्हें हम एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ये था कि एन क्या है हमारे पास, ये नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं। हम कहते हैं कि जब चोर दुकान के अंदर गया है चोरी करने, तो वहाँ कुछ आइटम्स पड़ी होंगी, कितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, 20, 30, 50 या 100, जितनी भी हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई नंबर ऑफ़ आइटम्स होंगी तो उसे हम एन कहेंगे। ठीक है, और जो चोर का बैग है उसकी कोई कैपेसिटी है, कितना वो उसके अंदर चीज़ें डाल सकता है, तो उसे हम W कहेंगे, तो वो हमारी कैपेसिटी हो जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों को जो है ना यूज़ करके, यानी कि कितनी उसमें चीज़ें हैं दुकान में, कितनी आइटम्स बनी हुई हैं, नंबर ऑफ़ आइटम्स, और हमारे बैग का वेट कितना है जो चोर ने पहना हुआ है, इन दोनों चीज़ों को हम यूज़ करके वैल्यू निकालेंगे कि जो चीज़ें वो उठा के अपने बैग में डालेगा। ठीक है, और बैग की लिमिट पूरी हो गई है तो जो चीज़ें उसने ली हैं उनकी वैल्यू क्या है, उसे क्या रकम मिलेगी उनसे। ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है। तो ये तीन चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की थी। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, वो डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। उसने कहा था कि अगर आपके पास जो नंबर ऑफ जो हैं ऑब्जेक्ट्स जो हैं, नंबर ऑफ आइटम्स आई जो है आपके पास, ठीक है ना, यहाँ पर हमने देखा था ना आई, एन जो है ये, अगर नंबर ऑफ़ एटम्स ही ज़ीरो हैं, हम कहें कि चोर दुकान में गया है और वहाँ पे चीज़ ही कोई नहीं पड़ी हुई, तो जब वहाँ पे चीज़ ही कोई नहीं पड़ी हुई है तो वो उठाएगा क्या? जब वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है तो फिर उसे वैल्यू भी तो ज़ीरो ही मिलेगी ना, जब दुकान में कुछ नहीं है तो उसे पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए वो कहता है इफ़ वी हैव नो एटम्स देन वी हैव नो वैल्यू। तो ये छोटा सा पॉइंट था, इसके बाद चलें हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो है हम आज लेक्चर 22 स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले जो दो चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं वो है लीव ऑब्जेक्ट आई एंड टेक ऑब्जेक्ट आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम आई और जे को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आई और जे का बताओ तो फिर हम इसे जो है सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास जो आई है वो इस तरह है कि आई वो चीज़ें हैं जो हमने पिक की हैं। ठीक है, हमने नहीं, मतलब चोर ने पिक की हैं, लेकिन तो पिक तो की है ना। तो आई क्या है मैं आपको बताती हूँ कि आई वो चीज़ें हैं जो पिक की हैं, जो हमने आइटम्स पिक कर लिए हैं वो हमारे पास आई हैं। और इसी तरह जे क्या होगा, जे हमारे बैग की कैपेसिटी है कि हमारे बैग में जो है कितनी चीज़ें जा सकती हैं, कितना वेट वो बियर कर सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं कि हमारे जो है वो कितनी आइटम्स कितनी पिक की हैं, और जे है कि बैग की कैपेसिटी कितनी है। तो इन दोनों को यूज़ करते हुए हम जो है ये सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, वो कहता है लीव ऑब्जेक्ट आई। अब आई क्या है, अब देखें कि जो चीज़ें बैग में डाल रहा है, मसलन वो कहता है कि वो ना 5 चीज़ें बैग में डाल सकता है। ठीक है, कहता है कि आप जो है चोर जो है वो मैक्सिमम 5 चीज़ें अगर अपने बैग में डाल सकता है तो उसने 4 डालनी है। ठीक है, 4 डालनी है। अब अगर वो 5वीं चीज़ डालता है तो उसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा,
तो इसका मतलब वो पांचवी नहीं डाल सकता। तो इसका मतलब है कि उसे वो जो आई है, वो जो यानी कि हमारे पास पांच चीज़ें थी, तो आई हमारा पांच हुआ ना, हम पांच चीज़ें बैग में डाल सकते हैं, तो आई पांच हुआ। तो कहता है उसे चार डालनी है, अब वो पांचवी नहीं डाल सकता, बैग का वज़न ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है उसे आई छोड़ना पड़ेगा, लीव ऑब्जेक्ट आई, ठीक है, वो अब आई को नहीं उठा सकता। तो वो कहता है कि अगर वो जब आई को नहीं उठा सकता तब क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है ना आई की, वो आई माइनस वन हो जाएगी, ठीक है। आई फाइव था ना, तो उसने फोर चीज़ें डालनी है, तो ये आई माइनस वन हो गया ना। तो वो कहता है कि हमारे पास जो आई की वैल्यू है उसकी जगह फिर हम आई माइनस वन लिख देंगे, ठीक हो गया। तो इसी तरह नीचे जो है टेक ऑब्जेक्ट आई का है कि अगर वो उठा लेता है, अगर उसने पांच चीज़ें डाल सकता था, अब उसने पांच ही उठा ली हैं, तो अब क्या होगा कि अब उसने जो चीज़ें, अब हम जो है ना सिर्फ इस पांचवें वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसने पांचवी वाली नहीं उठाई थी, यहाँ पे उसने उठा ली है। अब उसने उठा ली है तो उसे बैग में डालेगा, ठीक है, अब उसने चीज़ उठा ली है तो उसे बैग में डालेगा। और बैग का वेट क्या था, बैग जो है वो हमारे पास जे था, बैग का वेट मैंने अभी आपको बताया था। तो जब उसने वो चीज़ बैग में डाल ली, तो बैग में अब कैपेसिटी कम रह गई है ना, ये चीज़ का वेट है डब्ल्यू आई। तो अब डब्ल्यू आई बैग का अगर देखें, अगर बैग में 50 kg डाल सकता था, तो उसमें आपने 5 kg डाल लिया है, तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा ना। तो अब हमारे बैग की कैपेसिटी जो है ये हो गई है, ठीक है। तो कहता है कि अगर आपने चीज़ नहीं उठाई तो बैग की कैपेसिटी सेम ही रहेगी जे, लेकिन आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन आपने चीज़ उठा ली है तो बैग की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और आई की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और फिर आपको जो वैल्यू है वो वैल्यू वी ये तो मिलेगी, जो चार ऑब्जेक्ट उठाने पर मिल रही थी, साथ में ये आपको एक्स्ट्रा वैल्यू मिलेगी पांचवें ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो वो कहता है कि इस तरह जो आपके पास हो जाएगा, जब आप चीज़ उठा लेंगे, ऑब्जेक्ट पिक कर लेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, और जब आप ऑब्जेक्ट आई को पिक नहीं करते तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इन दोनों को आपने देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है उसने इन्हीं दो चीज़ों को यहाँ पे जो है ना इसकी फॉर्म में लिख दिया है। वो कहता है कि अगर आप आपकी जो जे की वैल्यू है वो छोटी है ज़ीरो से, यानी कि जे क्या चीज़ थी, आपकी बैग की कैपेसिटी थी ना, तो अगर आपकी बैग की कैपेसिटी कम है ज़ीरो से, तो आपका आंसर इन्फिनिटी होगा, और अगर बैग की कैपेसिटी ज़ीरो से ज़्यादा है तो, और आइटम जो है वो आपके पास कोई नहीं है, तो आपका आंसर जो है वो वन होगा, ठीक है। ये दो छोटे से पॉइंट है, ये आपने MCQs के लिए देख लेने हैं। और ये हमारे पास फार्मूलाज हैं, ये हम दो फार्मूलाज जो है ना इन्हें हम यूज़ करेंगे, ये हम आगे जाके यूज़ करेंगे, अभी बस आपने इन्हें जो है ना देख लेना है कि ये दो फार्मूला है। इसमें वो कहता है कि अगर हमारे पास जो WI है, WI क्या चीज़ थी, हमारे पास WI वो वेट था जो हमने वो आई वाली ऑब्जेक्ट उठाया ना, यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं आई वाला, तो जो आई वाले का वेट है वो WI है। तो कहता है जो आपने ऑब्जेक्ट उठाया है, अगर वो आपके बैग की कैपेसिटी से बड़ा है, ठीक है ना, अगर WI ग्रेटर है जे से, तो आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला लगाना है। और अगर जो आपने ऑब्जेक्ट उठाया है वो बैग की कैपेसिटी से कम है, अगर आपके बैग की कैपेसिटी 50 है और आपने जो ऑब्जेक्ट उठाया है वो 5 है, तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, इसे एग्जैक्ट मत ले लीजिएगा। तो चलें हम नेक्स्ट करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला था और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब वो कहता है कि हमने जो है एक ऐसा मेथड ढूंढना है जिसमें हमें रेपिटेशन अवॉइड हो जाए, जिसमें हमें हर चीज़ को बार बार ना चेक करना पड़े। अब उसने एक चीज़ उठाई है, दूसरी उठाएगा, उसको पहली के साथ चेक करेगा कि दोनों का मिला के वेट कितना होता है, फिर देखें ना, उसने अगर पहले एक चीज़ उठाई है तो उसकी वैल्यू जो थी वो, अगर वो कहता है कि वो वैल्यू उसकी 50 kg का था, ठीक है, वैल्यू उसकी 12 है, तो अब वो दोबारा उठाएगा 20 kg की, और उसकी वैल्यू अगर 5 है, और फिर वो 5 kg की कुछ उठाता है, उसकी वैल्यू 10 है, तो अब वो पहले 20 को 50 के साथ चेक करेगा, फिर वो 5 को 50 के साथ चेक करेगा, फिर वो 5 को 20 के साथ चेक करेगा। इसी तरह जब वो उठाएगा तो हर एक को हर एक के साथ करेगा, तो वो तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो चीज़ें ज़्यादा होंगी तो कैसे कम्बिनेशन करेगा। तो हमने कोई ऐसा मेथड देखना है जो हमें रिपीटिशन को ख़त्म कर दे। तो इसके लिए उन्होंने हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल कहती है कि वही चोर, इसी चोर को हमने जो पकड़े रखना है, ठीक है, ज़ोर से। तो कहता है कि आप जो है चोर है वही, उसने एक पीछे बैग डाला हुआ है, बैग को हम नैपसैक कह रहे हैं,
तो उसने बैग डाला हुआ है, बैग में जो मैक्सिमम है वो 11 किलो हम चीज़ें डाल सकते हैं। तो जिस दुकान में वो चोरी करने गया वहाँ पे 5 चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, टोटल 5 आइटम्स हैं। तो वो कौन सी चूज़ करेगा, उसने वो चूज़ करनी है जिनकी जिनसे उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल सके, ठीक है ना। उसने तो उन 5 आइटम्स में से ऐसी ऐसी चॉइस करनी है कि जो है वेट जो उनका है बैग का 11 kg उसमें भी पूरी आ जाए और उसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसे भी मिल जाए। तो इसके लिए जो हमारे पास ये ग्राफ बना लिया है हमने, ठीक है, इस ग्राफ में कुछ एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको कर देती हूँ। सबसे पहले वो जो चीज़ कहता है वो कहता है कि आपके पास एक आई है। आई क्या था, हमारे पास वो चीज़ें जो उसने चूज़ की हैं, ठीक है, जो वो चूज़ करेगा, जो वो उठा के अपने बैग में डालेगा, वो हमारे पास आई है। तो इसे 5 चीज़ें हैं, तो 5 चीज़ों को उसने नाम दे दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो वो कहता है जो पहली चीज़ है उसका कुछ वेट है, W1, वेट कितना है, 1 kg कह लें आप। उसके बाद वो कहता है जो पहली चीज़ है उसका वेट 1 kg है और उसकी वैल्यू क्या है, 1, यानी कि उसकी प्राइस समझ लें आप, रेट समझ लें, तो उसका रेट क्या है, 1। उसके बाद वो कहता है जो आपके पास दूसरी चीज़ है उसका वेट 2 है और उसकी जो वैल्यू है वो 6 है। इसी तरह जो आपके पास थर्ड चीज़ है उसका वेट 5 है और आपके पास जो है उसकी वैल्यू 18 है। इसी तरह उसने 4 और 5 की भी दे दी है। तो ये सारी उसने कंसीडर कर ली है। इसके बाद वो कहता है कि अब चेक करना है हमने कि हम किस तरह उठाएंगे। सबसे ऊपर ये जो है ना ये वाला, ये उसने हमें वेट लिमिट दे दी है। ये कहता है कि यहाँ पे जब आप आए तो आपका बैग कहता है कि आप अपने बैग में सिर्फ 0 kg वेट डाल सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इस पॉइंट पे आएंगे तो इसका मतलब है आप अपने बैग में 1 kg चीज़ें डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं यहाँ पे, तो वो कहता है कि आप अपने बैग में 7 kg चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये उसने जो है वेट लिमिट दे दिया कि आप अपने बैग में कितनी kg चीज़ें डाल सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, उसने हमें देखे मैक्सिमम जो थी 11 दी थी ना, कहता है मैक्सिमम आप 11 kg डाल सकते हैं। तो ये हमने 11 तक बना लिया है और उसने कहा था कि 5 चीज़ें आपके पास जिसमें से आपने चूज़ करना है। तो हमने ये जो है 5 चीज़ें रख ली हैं और हमने ये ग्राफ तैयार कर लिया, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आप यहाँ आ जाएं। कहता है कि ये देखें, कहता है कि आप अपने बैग में 0 kg चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। बैग में कितना वज़न डाल सकते हैं, 0 kg, यानी कि आप अपने बैग में कुछ भी नहीं डाल सकते। अब आप शॉप पे गए हैं, वहाँ पे एक आइटम पड़ी हुई है, तो आप अपने बैग में कुछ नहीं डाल सकते, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है आप कुछ भी नहीं डालेंगे। और आप कुछ भी नहीं डालेंगे तो आपको वैल्यू भी कोई नहीं मिलेगी फिर, जब आपने बैग में कुछ नहीं डाला, चोरी कुछ नहीं की, तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लिख देंगे 0, ठीक है। अब हम दो चीज़ों दूसरी पे अगर आ गए हैं, तो अब हम गए हैं दुकान पे, देखें जब बैग में कुछ नहीं डाल सकते तो चीज़ें जितनी मर्जी हों हम बैग में कुछ नहीं डाल सकते तो हमें प्राइस बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तो सबका जो रेट है वो 0 आएगा, ठीक हो गया। इसके बाद अब हमने करना क्या है, ये सारी तो हमने लिख दी 0, अब हमने क्या कैसे सॉल्व करना है, इसे हम रो वाइज करेंगे। सबसे पहले पहली रो को करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम 2 रोज़ को ले लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम 3 रोज़ को ले लेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद 4ों को, इस तरह, ठीक है, एक एक करके। तो अब हमने यहाँ सारे 0 पुट कर दिए हैं क्योंकि हम बैग में कुछ नहीं डाल सकते, 0 kg डाल सकते हैं, तो चीज़ें जितनी मर्ज़ी वहाँ पर पड़ी हूँ हमने कुछ भी नहीं उठाना, तो हमारा यहाँ सारा 0 आ जाएगा। अब हमने सबसे पहले जो है फ़र्स्ट रो करनी है, तो अब हमने नीचे वालों को पहले नहीं देखना, सबसे पहले हम फ़र्स्ट रो करेंगे। तो वो कहता है कि यहाँ पर आ जाएँ आप, ठीक है, ये हमने सारी 0 कर दी और यहाँ पे आ गए हम अपने बैग में 1 kg डाल सकते हैं। तो पहली रो को अब हम सॉल्व करेंगे, तो कहता है आप अपने बैग में 1 kg डाल सकते हैं, एक ही आइटम पड़ी हुई है उसका वेट कितना है, 1 kg, यानी कि इसे आप अपने बैग में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कितनी वैल्यू है, 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। अब आप नेक्स्ट पर आ जाएँ, कहता है अब एक नई सिचुएशन है, अब जो है चोर क्या है शॉप पे और वहाँ पे जो है एक आइटम पड़ी हुई है लेकिन वो अपने बैग में 2 kg डाल सकता है, लेकिन आइटम तो एक ही पड़ी हुई है ना, तो फिर उसे एक ही आइटम डालनी पड़ेगी और उसे एक आइटम की कितनी वैल्यू है, 1, तो यहाँ 1 लिख देगा। तो अब देखें उसके बैग की कैपेसिटी जितनी मर्जी हो, जो है वहाँ पे चीज़ तो एक ही पड़ी हुई है ना, आइटम एक ही पड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है उसे सब में एक एक ही डालनी पड़ेगी, तो सबका आंसर जो है 1-1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें यही इसी ग्राफ को उसने नीचे हमें बना के दे दिया है, ठीक है, ये उसने हमें बना दिया है, कहता है कि ये सारे उसने 0 कर दिए और ये सारे 1 कर दिए।
अब हम इसी तरह अब हम कहते हैं कि हमने दो रोज ले ली हैं, पहले हमने एक रो को सॉल्व किया था, अब हमने दो रोज ले ली हैं। अब कहते हैं कि वो गया है, चोर जो है दुकान पे गया है, उसके बैग की कैपेसिटी है 1 kg वो अपने बैग में डाल सकता है। तो क्या करेगा, वो दो आइटम पड़ी हुई हैं दुकान पे, एक ये वन वाली पड़ी हुई है और एक टू वाली, ये दो आइटम पड़ी हुई हैं, तो इनमें से कौन सी उठाएगा? वो सेकंड वाली तो नहीं उठा सकता, हालांकि उसकी प्राइस ज़्यादा है लेकिन उसे बैग में तो नहीं डाल सकता, तो इसलिए वो वन वाली उठाएगा। तो जब वो वन वाली उठाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब देखें, अब जो है वो गया है दोबारा, चोर गया है उसी दुकान में या किसी चेंज करके दुकान में चला गया, तो अब उसके पास जो बैग है उसमें वो 2 kg चीज़ डाल सकता है, ठीक है, उसके बैग की कैपेसिटी कितनी है? 2। तो अब देखें वहाँ पे दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक की 1 kg है और एक की 2 kg है वेट, जो दो आइटम्स हैं, एक का 1 kg वेट है, दूसरी का 2 kg है। तो कौन सी उठाएगा? जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी वो वाली उठाएगा ना, तो किसकी प्राइस ज़्यादा है? सेकंड वाले की, तो वो सेकंड वाला उठाएगा, उसकी प्राइस 6 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6, ठीक हो गया। इसी तरह अब जो है, अब वो दोबारा गया, अब उसके बैग में 3 kg की कैपेसिटी है, तो अब वो 3 kg तक रख सकता है, तो दो आइटम पड़ी हुई हैं, दोनों का वेट मिला के 3 kg बन रहा है, ठीक है। अब वो ये भी रख सकता है और ये वाली आइटम भी रख सकता है, अब उसके पास पॉसिबिलिटी है, वो बैग में 3 kg रख सकता है, तो दोनों का मिला के 3 kg है, तो वो दोनों को उठा के बैग में रख लेगा, ठीक है। तो दोनों को मिला के रखेगा तो उसके पास टोटल जो है प्राइस कितनी हो जाएगी? 7। तो वो यहाँ पे 7 लिख देगा, ठीक है। अब वो गया, अब वो 4 kg डाल सकता है, लेकिन देखिए दुकान पे तो टोटल 3 kg ही सामान पड़ा हुआ है, तो वो 3 kg ही उठाएगा, तो उसकी प्राइस कितनी है? 7। अब उसके बैग की कैपेसिटी जितनी मर्जी ज़्यादा हो जाए, दुकान पे सामान इतना ही है, तो ये सबका जो है ये सेम ही आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह सबका 7 आ जाएगा। तो ये भी उन्होंने हमें ग्राफ जो है नीचे ये सॉल्व कर दिया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह हमने थर्ड वाला सॉल्व कर लेना है। थर्ड वाला ये देखिए, अब हमने 3 चीज़ें कंसीडर कर ली हैं, तो अब हमने क्या करना है? अब जो चोर गया है वो अपने बैग में 1 kg सामान डाल सकता है, तो इनमें से कौन सा उठाएगा? जाहिर सी बात है जो 1 kg वाला है वही उठाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 यहाँ लिख देंगे। अब वो गया, अब वो 2 kg उठा सकता है, तो अब वो इसे ही उठाएगा ना, 2 kg वाले को, जिसकी वैल्यू 6 है, 2 kg वाले को उठाया, उसकी वैल्यू 6 लिख दी। अब वो गया है 3 kg उठा सकता है, तो इसकी तो 5 है, ये तो बड़ा हो जाएगा, तो ऊपर वाली दोनों उठा लेगा, उनकी वैल्यू क्या है? 7, ठीक है। अब वो गया है दोबारा से और अब वो 4 kg उठा सकता है। अब चेक करें, अब वो क्या करेगा? अब इन दोनों को तो उठा सकता है, 5 को अभी भी नहीं वो उठा सकता, तो ऊपर वाले दोनों ही उठाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब वो 5 kg डाल सकता है, तो अब जाहिर है वो 5 kg वाला उठाएगा। देखे इन दोनों की मिला के 7 बनती है और इस 5 की अकेली 18 बनती है, तो वो 5 kg डायरेक्ट उठा लेगा और इसकी वैल्यू जो है वो 18 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमने इसे सारे को सॉल्व कर लेना है, और ये सॉल्व किया हुआ हमें नीचे यहाँ दिया हुआ है, आप खुद सॉल्व कर लेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। अब वो क्या कहता है कि उसने हमें जो है एक फार्मूला दे दिया, वही फार्मूला जो हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे हमने फार्मूला एक देखा था ना, ये वाले हमारे पास जो फार्मूलाज थे, इसी फार्मूला को अब उसने नीचे सॉल्व किया है। तो चले देख लेते हैं, ये नीचे वाला उसने फार्मूला लिखा है, ये देखें, कहता है कि ये जो हमने ग्राफ से फाइंड किया है ना, यही चीज़ के वो हमें बता सकता है फार्मूले से। मसलन अगर हम कहते हैं कि एक चोर गया है, तो वो जिस दुकान में गया है वहाँ पे 3 चीज़ें पड़ी हुई थी, टोटल 3 आइटम्स थी, ठीक है, और वो अपने बैग में 7 kg सामान डाल सकता है, तो हमें बताएं कि वो मैक्सिमम उससे कितने पैसे कमा सकते हैं। वो सबसे महंगी महंगी अगर चीज़ें उठाए, तो वो 7 kg चीज़ें उठाए उन 3 आइटम्स में से, तो सबसे ज़्यादा पैसे उसे कितने मिल सकते हैं? तो ये आप फाइंड कर सकते हैं। आप वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आई -1 था, तो आई की जगह आप 3 पुट कर देंगे, और कोमा लगा के आगे 7 था, तो वाई की जगह आप 7, यहाँ जे था तो आप यहाँ जे पुट कर देंगे, इसी तरह आई और जे की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये 3 - 1 2 हो गया, 2 और 7। तो अब वी 2 7 आप कैसे ढूंढेंगे? तो आपने क्या करना है कि आई है ना, 2 आई है, तो आपने यहाँ से देखना है 2, ये 2 है, और जे 7 है, तो आपने यहाँ से देखना है जे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से अगर आएँ तो ये आपके पास ये वाली वैल्यू बनती है, ठीक है, ये इस तरह, तो ये 7 आपने जो है यहाँ पे लिख देना, ये आपने 7 लिख दिया, इसी तरह 18 आप ऐसे ही लिख देंगे, प्लस आ जाएगा, तो ये जो आपके पास है V27 - 5, इसे आपने ऊपर से ऐसे ही ढूंढ लेना है, तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो फिर 7 और 18 + 6 जो है, इस तरह आप फाइंड कर लेंगे ना इसे,
तो आपके पास जो है 24 आंसर आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ भी तो यही था, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हम कहता है कि अगर आपने आई तीन यानी कि तीन आइटम्स पड़ी हुई हैं दुकान पे और आप बैग में 7 किलो सामान डाल सकते हैं, तो ये भी तो हमें यही कह रहा है ना कि आप 24 किलो डाल 24 जो है अमाउंट ले सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ भी उसने 24 हमें आंसर दे दिया। अब उसने इसी ग्राफ को जो है ना ये उसके बाकी दो स्टेप सॉल्व किए हैं, ये 4 वाला और 5th वाला, तो इन्हें भी एज इट इज़ जैसे मैंने ऊपर बताया बिल्कुल वैसे ही हमने इन्हें सॉल्व कर लेना है। और फिर इसी ग्राफ को उसने जो है उसका कोड लिख दिया इस ग्राफ का, तो ये कोड भी इजी है अगर आप देखना चाहें तो, बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। वो कहता है एक बैग डाला हुआ था चोर ने, तो वो जिस दुकान पे जाता है वहाँ कुछ आइटम्स पड़ी हुई हैं, उसके बैग की कुछ कैपेसिटी है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर जो है उसकी जो वो ज़ीरो होगी, आइटम ज़ीरो होंगी तो हम ज़ीरो पुट कर देंगे वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे अगर कह रहा है कि अगर बैग में आप कुछ नहीं डाल सकते, बैग की कैपेसिटी ज़ीरो है, तो आप ज़ीरो पुट कर देंगे। इसी तरह ये कोड लिखा हुआ है। ये एक क्विज है हमारे पास, वो कहता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एन डॉट डब्ल्यू है, ये क्वेश्चन आ जाता है, क्विज आ जाता है, तो ये आपने देख लेना है। इसके बाद सिर्फ एक चीज़ और उन्होंने बताई हुई है, वो ये है कि कहता है कि हमने अब तक ये फाइंड नहीं किया कि हम कौन सी जो है चीज़ें उठाएंगे। देखें ना, हमने ग्राफ तो बना लिया, हमने कहा कि ठीक है अगर हमारे पास इतनी चीज़ें हों, इस तरह हों, तो हमें इतने पैसे मिल सकते हैं, लेकिन हमें इनमें से कौन सी चीज़ें उठानी चाहिए, हम इनमें से कौन कौन सी चीज़ उठाएंगे, तो ये हमने फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए उसने जो है हमें एक तरीका बताया है, ठीक है। कहता है कि जैसे हमने ये लिया था ना vij, इसी तरह हमने एक और एरे लेना है जिसका नाम हमने रखा है keepij। ये vij था, उसका नाम हमने रखा है keepij। तो कहता है कि अगर हम जो है किसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को उठा के वो जो चोर है बैग में रख लेता है, तो हम keepij में 1 पुट कर देंगे, ठीक हो गया। और अगर वो चोर देखता है चीज़ को, कहता है नहीं जी ये नहीं मैंने रखनी, वो वापस रख देता है, तो हम keepij में 0 पुट करेंगे। तो यही चीज़ उसने नीचे बताई हुई है, कहता है अगर हम keepij में 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो है कीप की वैल्यू ये होगी, और अगर हम इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास कीप की वैल्यू ये होगी। ये मैं आपको बता देती हूँ उसने किस तरह कहा है। कहता है कि अगर हम 0 पुट करते हैं, यानी कि चोर आया उसे चीज़ पकड़ी है, कहता है नहीं जी ये सही नहीं है, मैंने नहीं लेनी, उसने रिजेक्ट कर दी, तो उसने रख दिया। अब देखें उसकी जो चीज़ें उसने चेक करनी थी, एन नंबर ऑफ़ चीज़ें थी ना, एन नंबर ऑफ़ आइटम्स थी जो दुकान पे पड़ी हुई थी, अब उसने एक चेक कर ली है, तो अब उसके पास एक कम हो गई है ना, अब उसने एन माइनस वन में से चेक करना है, तो अब एन की जगह एन माइनस वन आ जाएगा। ये तब होगा जब उसने चीज़ चूज़ नहीं की, लेकिन अगर उसने चीज़ चूज़ कर ली है, अब वो कहता है कि अगर उसने चीज़ चूज़ कर ली है तो वो चीज़ को उठा के बैग में रख लेगा, ठीक है। अब उसने चीज़ को बैग में रख लिया है तो अब क्या होगा कि बैग के अंदर जगह कम हो जाएगी, तो जो बैग की टोटल थी जगह, उसमें से जो चीज़ की वज़न है वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चीज़ तो एक कम हो ही गई है उसकी चूज़ करने वाली, साथ में वज़न भी अब उसे कम रखना है बैग में, तो जो हमारी कीप की वैल्यू है ये हो जाएगी। तो ये बस आपने देख लेने हैं ये दो फॉर्मूलाज उसने बताए हुए हैं, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इसके बाद और कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये उसने वही ग्राफ दिया हुआ है और वो यानी कि यही जो चीज़ है ना, ये वाली जो उसने बताई है, इसको उसने कोडिंग में लिख दिया। और फिर वो कहता है अगर कोड अप्लाई करें तो ये देखें, आपको वो कोड अप्लाई करें तो वो आपको बताएगा कि जी आप उस दुकान में से जो है ना तीसरी वाली आइटम 5 kg वाली वो उठा लें, और उसके बाद जो है चौथी वाली जो आइटम है 11 kg वाली वो उठा लें, तो इस तरह ये आपको आंसर दे देगा। तो आज का लेक्चर इतना ही था, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।